अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है चैनल पर। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपके साथ जो वीडियो शेयर की थी हैंड वाइटनिंग पैक, तो फ्रेंड्स उसमें 3 स्टेप्स थे, 2 स्टेप मैंने उस वीडियो में आपको दिखाए थे स्क्रबिंग एंड पैक। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखिए मेरी वीडियो। और तीसरा जो स्टेप था वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो क्या है वो ये है, तो तीसरा स्टेप है आपका ऑयलिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके हैंड्स रिंकल फ्री हो, झुर्रियाँ ना हो और आपके हैंड्स पे बहुत ही शाइन हो, ग्लोइंग स्किन हो आपकी, तो इसके लिए आपको करना होगा डेली नाइट में ऑयलिंग। तो फ्रेंड्स ये तेल बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही यूज़फुल है। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि कैसे बनाना है ये ऑयल। तो ये तेल बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कोकोनट ऑयल 2 स्पून। तो फ्रेंड्स कोकोनट ऑयल क्या करेगा, ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा। इसके बाद हमें जो चाहिए वो है आलमंड ऑयल यानी बादाम का तेल। तो बादाम का तेल हमने ये लिया है रोगन बादाम शरीन, क्योंकि इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। ये भी आपको 2 स्पून लेना है। यहाँ पे मेरे पास जितना है लगभग 1 ही टीस्पून है, तो मैंने पूरा ले लिया है। तो ये आपके स्किन पे क्या काम करेगा, ये बहुत ही अच्छा सा ग्लो देगा और ये स्किन पे आपकी चमक लाएगा। तो जब आप हैंड पे मसाज करेंगे तो ये आपकी स्किन पे चमक लगा। तीसरा जो ऑयल होगा वो है कैस्टर ऑयल। तो कैस्टर ऑयल भी हमें चाहिए होगा 2 स्पून। कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल। तो फ्रेंड्स ये क्या काम करेगा, ये आपकी स्किन के जिस झुर्रियाँ हैं, लाइनें हैं, तो ये उसे दूर करेगा। अगर आपको डार्क नकल्स की दिक्कत है तो ये उसे भी दूर करेगा। और इसके बाद हमें जो चाहिए वो है ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन को हील करता है। तो यहाँ पे हमें चाहिए 1 स्पून। ये आपकी स्किन पे नमी बनाए रखता है। और जो लास्ट हमें चाहिए वो है, इसके बाद जो हमें चाहिए होगा वो है इवियन कैप्सूल। तो फ्रेंड्स ये विटामिन ई का कैप्सूल है, इसे यहाँ लगाने से आपके फेस पे अगर लाइन्स आ रही हैं, झुर्रियाँ हैं, तो इसे दूर करेगा और आपके स्किन पे ग्लो देगा। तो यहाँ पे हमने ले लिया है 1। और इसका जितना भी ऑयल है तो इसमें इस तरह से डाल देना है। और अब इसे कर लेना है अच्छे से मिक्स। तो फ्रेंड्स ये ऑयल आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है इसके। और इसे कब लगाना है अभी बता रहे हैं आपको। तो ये देखिए ये ऑयल रेडी है इस तरह से। और अब आपको क्या करना है, आपको डेली अपने हाथ पे नाइट में से 2 मिनट तक मसाज करना है। इस तरह से थोड़ा सा लेके अपने हाथ में मसाज करना है आपको 2 मिनट तक। तो ये क्या काम करेगा, आपके जितने भी आपके रिंकल्स हैं या फिर झुर्रियाँ हाथ में पड़ गई या फिर रूखे बेजान हो गए हैं, तो इसे वो मॉइस्चराइज करेगा। तो इस तरह से अपने हैंड में डेली आपको मसाज करना है। और आप देखिएगा 1 ही हफ्ते में आपको इसका फर्क ज़रूर होगा। इस तरह से आपने नकल्स में भी करना है। तो देखिए इस तरह से आपको रोज़ मसाज करना है अपने हाथ पे। कुछ नहीं करना है, ये बहुत ही इजी है, बहुत ही जितना बनाना आसान है उतना ही करना भी आसान है। बहुत ही अच्छे से आप कर सकते हैं इसे। किसी भी आपके जो भी आपके पास हो एयर कंटेनर पे आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। कितने भी दिन के लिए आप इसे रख लें, 10 दिन के लिए बनाए, 10 दिन, 15 दिन, यहाँ तक कि 1 मंथ तक भी आप बना के इसे रख सकते हैं। और जब भी
जब भी रात में सोने से पहले इसे 5 मिनट इसे मसाज करके सोएं। तो ये देखिए इस तरह से इसको रख लेना, कितने दिन के लिए भी इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।